नमस्कार पूजा जी, यही पेज है, आप मुझे एक बार जरा बता देंगी? ठीक है, तो मतलब अभी मैं अपना स्टार्ट करूं पूजा जी? एक बार धन्यवाद डेविड जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे अपने पेज पर बुलाया, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा देर हो गई है, तो मैं सभी से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा कुछ शायद टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो दोबारा से शुरू करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार, और क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है इसलिए सर्वप्रथम मैं भगवान श्री गणेश जी को याद करती हूँ, और क्योंकि सर्वप्रथम जब भी कोई कार्य किया जाता है तो गणेश जी को ही याद किया जाता है, तो उनको नमन करती हूँ और उनके श्री चरणों में अपनी कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ। सुखहर्ता दुखहर्ता वार्ता विद्नाची, नूरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उति सिंदूराची, कंठी झल के माल मुक्ता फैलाची, जय देव जय मंगला मूर्ति, दर्शने मात्र मन कामना पूर्ति, जय देव जय देव जय देव। तो श्री गणेश जी को नमस्कार करते हुए मैं आज जो है बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के पेज से लाइव आने का मुझे जो अवसर मिला है उसके लिए मैं सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माम पूजा शुक्ला का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे डेविड जी से परिचित करवाया, और मुझे इस लायक समझा कि मैं विश्वविद्यालय के पेज पर लाइव आ सकूँ, क्योंकि मैं कोई शिक्षिका नहीं हूँ, ना ही मुझ में इतना ज्ञान है, पर मैं अपने अल्प ज्ञान से यहाँ पर आई हूँ और जितना हो सकेगा मैं बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये एक विश्वविद्यालय का पेज है। तो मैं कहना चाहूंगी कि जो गुरु और शिष्य का नाता है वो बहुत ही मतलब एक पवित्र संबंध है, एक ऐसा संबंध है जहाँ पर हम एक जैसे भगवान और भक्त का, तो क्योंकि विश्वविद्यालय का पेज है तो गुरु शिष्य परंपरा पर भी कुछ शब्द रखना मैं समझती हूँ जरूरी हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए मैं कुछ शब्द रखती हूँ। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, कबीरदास जी कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काड़े है खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। तो कहते हैं कि गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है, तो जो गुरु है वो भीतर से तो हाथ का सहारा देता है पर बाहर से उसको बोलता रहता है कि चल भाई तू आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़, और मार मार कर जो है मतलब मार कर, मतलब मेरा मतलब ये नहीं कि फिजिकली मार कर, मतलब उनको समझा समझा कर अपने शब्दों के तीरों से उनको बिल्कुल साथ देते हैं गुरु, और तब उनको ऐसी शिक्षा देते हैं कि वो जीवन में कदम कदम पर कामयाब हो सके। तो गुरु जो है उनका बहुत बड़ा हाथ होता है और उनके बिना ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं होता है। तो वो कहते हैं कबीरदास जी, फिर आगे कुछ पंक्तियाँ कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन ही दान। तो गुरु गुरु के समान कोई दाता नहीं है, जो कि शिष्य को जो शिष्य है वो याचक है, वो हमेशा लेने की स्थिति में रहता है और गुरु हमेशा देने की स्थिति में रहते हैं। तो जो गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं वो उस संपत्ति के समान है जो कि कभी खत्म ना होने वाली चीज है, और उस संपत्ति से बढ़कर जो है वो ज्ञान है, वो ज्ञान की ऐसी संपत्ति हमें देते हैं गुरुदान में कि जो कभी हमारे पास खत्म नहीं होती। जो ये धन संपदा जो ये भौतिक साधन है ये तो कभी भी आपके जीवन से जा सकते हैं, पर जो गुरु ने हमें जो एक शिक्षा का जो दान दिया होता है वो कभी भी हम खत्म नहीं होता, और वो हर कदम पर हर जीवन के हर मोड़ पर हमारे को काफी कुछ हमें
संभलने का मौका देते हैं। उनके शब्द उनके आज भी हमें याद आते हैं, जब हमने स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई की होगी तो उनके जो कहे हुए शब्द हैं वो आज भी हमें अपने हमारे को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, और उनके शब्दों से ही आज हमारे को संबल मिलता है और हमें हिम्मत मिलती है, हमें लगता है कि हाँ हम कुछ जीवन में कर सकते हैं। और सबसे पहले गुरु तो शिक्षिका जो होती है हमारी माता ही होती है, तो जो उनकी ज्ञान है और जो हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं उनसे उनके ही कदमों पर हम उनसे ही उंगली पकड़कर हम चलना आगे सीखते हैं, और उसके बाद हम स्कूल जाते हैं और इस तरह से मतलब हर कदम पर हमें जो शिक्षा है वो गुरु से ही मिलती है। तो गुरु से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है, गुरु की महिमा ही अपरंपार है। ऐसे में जब मैं अपने मुद्दे पे आती हूँ, जो मेरा विषय है, जो शिक्षा संस्थान बंद हैं और ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो बच्चे कैसे तनाव मुक्त रहें, तो मैं सबसे पहले शिक्षा की तरफ ही ध्यान दूंगी कि जो गुरु की महिमा अपरंपार है। तो ऐसे में भी उन्होंने रास्ता ढूंढा कि जब शिक्षा के साधन बंद हैं, कोरोना महामारी ने हमारे को घरों में कैद कर रखा है और हम कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि कक्षाएं दोबारा से स्कूल खोले जाएं और कुछ ऐसा किया है, तो उन्होंने एक रास्ता निकाला कि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाए ताकि उनका साल खराब ना हो, उनके भविष्य के जो डोर है क्योंकि शिक्षकों के हाथ में है, तो उन्होंने ही उनके लिए रास्ता निकाला और ऑनलाइन शिक्षा का प्रबंध किया। मुझे पता है कि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं ऑनलाइन शिक्षा में, पर फिर भी उन्होंने जो एक रास्ता निकाला है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे राह भटक जाएं और सारा दिन टीवी मोबाइल कंप्यूटर गेम या इनमें लगे रहें, इससे अच्छा है कि थोड़ी देर उनको व्यस्त रखा जाए उनकी पढ़ाई में उनको, और उनको कुछ ऐसा क्रिएटिव दिया जाए जिससे कि उनका ध्यान जो है इधर उधर ना भटके। अख्तर वसीम जी नमस्कार, पूजा मैडम धन्यवाद, सारंग तने जी धन्यवाद, डेविड जी धन्यवाद। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो गुरु हैं वो निरंतर अपने शिष्यों के सुधार के लिए, उनके पढ़ाई के लिए परेशान रहते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते रहते हैं कि जिससे कि उनको उनका शिक्षा का स्तर बेहतर हो, वो अच्छे इंसान बने, वो जीवन में कुछ कर पाएं। और जो आज के हमारे युवा हैं उनके ऊपर तो बहुत, उनके कंधों पर बहुत भार है और उन्हें तो इस देश को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाना है, तो उनकी पढ़ाई को कैसे रोका जा सकता है, इसीलिए ऑनलाइन कक्षाएं तो करनी ही पड़ेंगी क्योंकि बड़े तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख सकते हैं पर बच्चे अभी इतने, उनमें एक चंचलता होती है और एक चपलता होती है, तो वो शायद चाह कर भी उस सोशल डिस्टेंस को मेंटेन ना कर पाएं जो कि बड़े कर पा रहे हैं। इसलिए अभी स्कूल संस्थान बंद हैं तो ऑनलाइन ही शिक्षा एक सहारा है। मैं मानती हूँ कि कई बार छोटे बच्चों को इससे दिक्कत आती है, छोटे बच्चे इसको ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं या कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उनको कभी कभी दिक्कतें आती हैं कि वो बहुत देर तक जो है कंटिन्यू एक स्क्रीन को नहीं देख पाते हैं, तो उनके साथ पेरेंट्स को भी बैठना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी समस्याएं तो हर जगह हैं पर शिक्षा का और कोई माध्यम तो है नहीं, इसलिए ऑनलाइन ही कक्षाएं होंगी। वही आज का एक बहुत बड़ा जो है डिजिटल इंडिया की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन शिक्षा एक बहुत अच्छी शुरुआत है जिसमें कि हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और हमारा जो भटकाव है, हमारा मतलब बच्चों का जो भटकाव है पढ़ाई से हटकर जो इधर उधर चला जाता है उसको ख़त्म कर सकते हैं। वरना इतना लंबा समय तक अगर ऑनलाइन कक्षाएं नहीं होती तो शायद बच्चे अपना ध्यान कहीं कहीं लगाकर बिल्कुल ही उससे विमुख हो जाते अपनी किताबों से। तो इस वक्त जो है ये ऑनलाइन जो क्लासेस हैं ये बहुत बड़ा सहारा है। अब चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, गूगल मीट पे हो या जो भी साधन उपलब्ध हो रहे हैं, मैं जानती हूँ कि कुछ हो सकता है कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं हमारे यहाँ, कभी कभी नेट की प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी कभी क्या हो रहा है कि हमारे किस कहीं कहीं से हमें शिकायतें मिल रही हैं कि वहाँ पर नेट प्रॉपर नहीं चल पा रहे, इस वजह से कुछ कक्षाएं जो नहीं ले पा रहे कुछ बच्चे, या कभी कभी फ़ोन की समस्या या
ऐसी समस्याएं भी हैं, छोटी मोटी समस्याएं तो हैं ही जिनकी वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है, पर फिर भी जितने लोग पढ़ पा रहे हैं और जो कर पा रहे हैं वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं और एक दूसरे से जो उन्होंने पढ़ा है उससे उसके ऊपर एक डिस्कर्स कर सकते हैं कि हाँ आज हमने ये पढ़ा था। तो अगर किसी दूसरे उनके दोस्त के पास या उनकी फ्रेंड के पास नहीं नेट था तो वो एक दूसरे को शेयर करके इन चीज़ों को आपस में एक दूसरे का हाथ बटा सकते हैं, एक यही कहेंगे या एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी का नेट एक साथ ही ख़त्म हो जाएगा या सभी का नेट एक साथ नहीं आएगा या सभी के पास ये सुविधाएं नहीं होंगी। तो अभी जो वक्त है ऐसे में आपका जो मिलजुल कर रहने वाला एक है तरीका वो भी सामने आ रहा है कि कितना हम अपने दोस्तों को जानते हैं और कितना उनको पहचानते हैं। अगर एक को समस्या है तो दूसरा उसको बता सकता है कि आज ये हमने पढ़ा और ये डिस्कस हुआ, तो इससे ये भी एक आसान तरीका हम इससे निकाल सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि हम जब हम सद हमारे जो हिंदुस्तान में वसुदेव कुटुंबकम की जो परंपरा है उसको हमें बढ़ावा देने का इस वक्त मौका मिल रहा है कि हम सबको साथ लेके चलें। कई एक एक इंसान के पास कोई कमी है तो हम उसको कहें कि हाँ भाई हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मुझे, क्योंकि आप भी, मैंने ज़्यादातर लोगों से जब पूछा कि भाई क्या क्या समस्याएं आ रही, तो सबसे ने एक ही समस्या बोली कि नेट की समस्या है मैडम, नेट नहीं आता है, या हमारे पास इतना एडवांस फ़ोन नहीं है, या हमारे पास लैपटॉप नहीं है। तो मैं कहती हूँ ठीक है, कितने लोगों के पास नहीं होगा, जिन लोगों के पास नहीं है और जिनके पास है वो एक दूसरे से टाई अप करके एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। नेट नहीं है तो जितना एक बच्चे ने पढ़ा है वो अपने फ्रेंड्स को एक ग्रुप में फ़ोन करके समझा सकते हैं कि आज भाई तुम्हारा नेट नहीं था तो मैडम ने आज ये पढ़ाया, बजाय कि उस बात के लिए हम टेंशन लें कि ओहो आज मेरा नेट नहीं था, आज मेरे साथ ये हो गया। और मैं टीचर्स से भी बोलूँगी कि अगर किसी बच्चे का किसी दिन नेट नहीं होता है तो उसको एब्सेंट मार्क मत करें, आप एक बार देखें तो सही उसकी समस्या क्या थी। आप सीधा उसको कह देते हैं कि आपको क्लास से आउट किया जाता है क्योंकि आप ऑनलाइन नहीं थे, पर कई बार क्या होता है कि नेट की समस्या ये है कि लाइट चली गई तो नेट भी चला जाता है। आजकल महानगरों में तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है, तो उनको थोड़ा सा देखें कि वो जानबूझ के जा रहे हैं या नेट की समस्या, क्योंकि जानबूझ के जाएंगे तो डेली का काम होगा, नेट की समस्या तो कभी कभी आएगी। तो मैं टीचर्स से भी कहूँगी कि वो भी थोड़ा सा बच्चों के साथ कोऑपरेट करें जिससे कि उनका टेंशन थोड़ा सा कम हो, उनको जो एक अननेसेसरी का जो बर्डन आ रहा है वो ये आ रहा है कि नेट ना होने के बावजूद भी उनको सजा दी जाती है। तो थोड़ा सा टीचर्स भी कोऑपरेट करें, थोड़ा सा पेरेंट्स कोऑपरेट करें कि पेरेंट्स भी देखें कि बच्चे के साथ कोई ऐसी समस्या तो नहीं आ रही है और वो क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या कैसे उसको मतलब एक जिसको कहते हैं नेट उपलब्ध करा सकते हैं, या उनको कैसे इन सब चीज़ों की से जो उनको परेशानी हो रही है ऑन द स्पॉट उससे कैसे उनको रिलैक्स कर सकते हैं। तो पेरेंट्स, टीचर और हम सबका दायित्व है कि इस वक्त जो बच्चे बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहे हैं हम उनको प्यार से और बाकी अपना सपोर्ट्स देकर उनको जो उनकी जो समस्याएं हैं उनको थोड़ा कम करें, क्योंकि जो बड़ी क्लासेस हैं उनके बच्चों को भी परेशानी है। ऐसा नहीं है कि छोटी क्लासेस को परेशानी है, बड़ी क्लास के बच्चों को परेशानी ये है कि जो ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है वो उनको जो एक इंट्रैक्शन है ना वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो आमने सामने इंट्रैक्शन होता है वो थोड़ा सा ख़त्म हो गया है, क्योंकि फेस टू फेस और नेट पे पढ़ने में बहुत फ़र्क है और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है, मैं मानती हूँ इस बात को। तो थोड़ा बहुत जो उनका वो स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है कि हमें अपने क्वेश्चन पूछने का मौका नहीं मिल रहा या हम वो नहीं इंट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं जो हम क्लास में कर पाते थे, तो थोड़ा सा उसमें आप हम सब मिलके अगर हेल्प करेंगे तो बच्चों को थोड़ा अच्छा लगेगा और शायद उनका मॉरल सपोर्ट होगा।
बच्चों के लिए भी ये है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो सबसे बेस्ट जो तरीका है, आप अपनी किताबों को एक बार पढ़ें, दो बार पढ़ें, तीन बार पढ़ें, चार बार पढ़ें। आप जितनी बार रीड करेंगे आपको खुद ब खुद समझ आएगा, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में तीन चार बार पढ़ने पर भी समझ नहीं आ रहा तो आप उसको नेट पर ढूंढने की कोशिश करें, फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप अपनी टीचर से रिक्वेस्ट करें कि वो आपको एक बार इस चीज़ को समझा दे दोबारा से कि आप नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे हिसाब से आज के टाइम में कोई ऐसे टीचर नहीं होंगे जो मना करेंगे कि नहीं मैं दोबारा नहीं बता सकती। तो और मेरी रिक्वेस्ट है जो भी टीचर्स हैं कि अगर कोई बच्चे इस तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होके और बहुत सारी समस्याओं को लेकर आते हैं तो आप भी उनको सहयोग दें जिससे कि उनको इस सिचुएशन से निकलने का मौका मिले, क्योंकि ये ऐसा समय है जिसमें कि बच्चों के पास कुछ और साधन नहीं है, वो कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, वो कहीं खेलने नहीं जा पा रहे हैं, उन वो जो पढ़ रहे हैं वो उसको ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये समस्या है, तो थोड़ी सी क्योंकि एक नया एक्सपेरिमेंट है, एक नया चीज़ें उनके सामने आई हैं जिसको वो उनको समझने में वक्त लगेगा। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग, पेरेंट्स, टीचर्स, सब लोग मिलके बच्चों के साथ एक सहयोग दें, उनकी समस्याओं को सुने और उनका समाधान निकालें। मैं दोनों तरफ से बोल रही हूँ कि टीचर्स का भी और पेरेंट्स का और बच्चों का, तीनों का जो सामंजस्य है ना, वही इस जो कोरोना काल में जो शिक्षा है उसको आगे बढ़ा सकता है और बच्चों को एक अच्छा टेंशन मुक्त, तनाव से रहित जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि एक तो ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा एक और भी दिक्कत जो बच्चों में सामने आ रही है कि उनके आइस ड्राई हो जाती हैं, क्योंकि पाँच पाँच छः छः सात सात घंटे तक वो क्लासेस लेते रहते हैं। बड़ी क्लासेस के बच्चों के लिए तो काफ़ी क्लासेस हैं जो काफ़ी, हाँ राजेंद्र झा जी, मैं आपकी बात को मानती हूँ, पिछड़े क्षेत्रों में बहुत समस्याएं हैं और मैं उनको उस बात को, आपकी बात को से सहमत हूँ, जो है नेट प्रॉपर तरीके से नहीं आता है और भी समस्याएं हैं और जो कि कई बार बड़ा रूप लेकर वही तनाव का कारण बन जाती हैं, पर उसकी तरफ भी हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए और अगर हम जो भी जिसकी मदद कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी मदद हम सबको करनी चाहिए, जितना हमसे हो सकता है हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो ये छोटी छोटी समस्याएं अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। बच्चों के साथ जो मैंने अभी जो बोल रही थी लास्ट में कि जो ड्राई आइस का जो एक बहुत बड़ा समस्या सामने आई है कि जो बड़ी क्लासेस है जैसे जो 12th और 10th के बच्चे हैं जिनका बोर्ड हैं, उनको ठीक से समझ नहीं आ रहा कि उनको कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो वो हर वक्त अपना कंप्यूटर पे आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं, उनका प्रोजेक्ट वर्क भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरी खुद की बेटी 12th में, मैं उसको देखती रहती हूँ, हर वक्त उसके पास बहुत लंबा चौड़ा एक प्रोजेक्ट वर्क होता है, तो उनको थोड़ी ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम भी आ रही है। तो उन बच्चों को मैं कहूँगी कि वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी जो आंखों को पानी से के छींटे मारें और थोड़ी देर आंखों को बंद करके 5 से 7 मिनट तक रिलैक्स होके ऐसे चेयर पे या जहाँ पर भी हो अपने पीछे सर को टेक लगा के 5 से 7 मिनट अगर वो रिलैक्स करके दोबारा पढ़ाई शुरू करेंगे तो उनको ये सब चीज़ें नहीं होंगी। बच्चे कभी भी कभी सोचते हैं कि हमारे को ये क्या एक्स्ट्रा बर्डन मिल गया, तो ये एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। मैं बच्चों के लिए कहना चाहूँगी कि अभी अगर स्कूल खुल जाते हैं तो उससे ज़्यादा मुश्किल टाइम आएगा, क्योंकि इतना हम लोग बड़े ही नहीं इतना डिस्टेंस मेंटेन कर पा रहे हैं, हम ऑफिसेज जाते हैं और एक थोड़ी देर के लिए कभी कभी भूल भी जाते हैं कि हमें कितने दूरी पे बैठना है, तो बच्चे ही हैं, इसलिए अभी जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाता आप ऑनलाइन क्लासेस का आनंद लें, आनंद लेके पढ़ें, थोड़ी थोड़ी देर रिलैक्स होएं, जो भी आपको 10 मिनट्स का ब्रेक मिलता है उसमें आँखों को रिलैक्स करें, कुछ और दूसरा काम ना करें, और उसके बाद जब आपका नेक्स्ट पीरियड होगा तो आप देखेंगे आपको कितना आराम मिलता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस से आपको दिक्कतें आ रही हैं तो आपने, मैंने पहले भी बोला कि अपनी किताबों को पढ़ें, वो किताबें जो हम फिज़िकल पढ़ते हैं वो
उसको पढ़ने में एक अलग ही आनंद आता है, और वो जो है अपने आप हमें बहुत कुछ समझा जाते हैं। एक बार समझ नहीं आएगा, दो बार समझ नहीं आएगा, तीसरी बार आपको पक्का समझ आएगा, और फिर भी नहीं आता है तो अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, और पेरेंट्स नहीं बता रहे तो फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं, या किस जो भी आपके रिलेटिव्स में हैं जो आपको समझा सकते हैं, आप फ़ोन करके उनकी हेल्प ले सकते हैं। और ऐसा मेरे को नहीं लग रहा कि इस वक्त कोई भी ऐसा होगा जो कि एक दूसरे की मदद नहीं कर रहा होगा। ये जो बेसिक्स प्रॉब्लम है नेटवर्क वगैरह की, ये तो इनके लिए तो थोड़ा सा दिक्कत है ही, इनके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ है कि आप अपना आपसी तालमेल अपने टीचर्स और अपना तालमेल ठीक रखें, उनको बता दें कि आपके साथ क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। पेरेंट्स भी बता सकते हैं, पेरेंट्स तो सामने ही बैठे होते हैं, अगर उनको लगता है कि बच्चे के साथ कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी टीचर्स से बात कर सकते हैं कि उनकी वजह से उन बच्चा नहीं कुछ कर रहा है, नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या बच्चे इसलिए भी जो है परेशान हो रहे हैं कि ये क्या एक नया झमेला मोल ले लिया कि हमारे को 24 घंटे नेट के सामने बैठना पड़ रहा है। तो मैं फिर कहूँगी कि ये वक्त ऐसा है कि इस थोड़ा थोड़ा सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि वो अपने बच्चों को धीरे धीरे समझाएं कि ये बहुत मुश्किल वक्त है, और कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है तो हमें किस तरह से आराम से काम होके इन चीज़ों को ये इस टाइम को निकालना है, और ये वक्त भी निकल जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि ये वक्त नहीं निकलेगा और ऐसा ही रहेगा, अच्छे दिन भी आएंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन क्लासेस और ज़्यादा कंप्यूटर पर बैठने से बच्चों को ये भी समस्या आ रही है कि वो अपना क्या करते हैं, लैपटॉप से कॉपी पेस्ट किया और उसको रख दिया, तो उनके जो धीरे धीरे करके याददाश्त ख़त्म हो जाती है। जैसे कि हम पहले नंबर हमें याद रहते थे, और अब मोबाइल आने से हमें नंबर याद नहीं रहते, क्योंकि हमारे पास एक क्या होता है कि हमारे को हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं तो हमें जैसे जैसे आराम मिलते रहते हैं हम वैसे वैसे ना चीज़ों को अपना छोड़ते चले जाते हैं, और फिर ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहते, वही वाली बात हो जाती है। और बच्चे भी क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि चलो इसको साइड में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, तो उतना उनकी आदत कमज़ोर होती जाती है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अपनी किताबों को मत छोड़िए, जो किताबें हैं आपकी पहली दोस्त हैं, सच्चा दोस्त आपकी किताबें ही हैं, इसलिए किताबें कभी मत छोड़िए। आप किताबों को लगातार पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, वो आपकी जो याददाश्त की प्रॉब्लम है उसका हल सिर्फ किताबें पढ़ना है और कुछ नहीं है। आप किताबें बार बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 50 बार पढ़िए, तो आपकी जो समस्याएं हैं खुद ब खुद खत्म होते चले जाएंगे। जो आने जाने का, स्कूल आने जाने का समय था जो खराब हो रहा था वो आपका बच रहा है, बहुत सारी चीजें आपकी जो आपको बाहर नहीं जाना पड़ रहा, तो उस समय में आप अपनी किताबों को पढ़िए। और एक जो मेन समस्या है कि जो बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ घर के अंदर ही बंद हैं, तो उससे भी उनको थोड़ा थोड़ा तनाव आ रहा है और उनको डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि पेरेंट्स देखें कि बच्चों को थोड़ी सी देर उनको किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। इंडोर भी बहुत सारे गेम्स हैं, आप कैरम खेल सकते हैं, आप लूडो खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, माइंड गेम है, और या थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं अपनी छत पे, छत नहीं है, बालकनी या अपने घर के नीचे ही, तो थोड़ा थोड़ा सा आप बच्चों को अपने उनके साथ जाके उनके साथ रिलैक्स हो सकते हैं, ताकि बच्चों को जो एक घर में बैठे रहने से एक एंजाइटी हो रही है उससे भी वो उनको आराम मिल सके, उनसे वो रिलैक्स हो सकें। ये नहीं कि हर वक्त वो कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं या बैठे कमरे के अंदर बंद बैठे हुए हैं, तो उनके साथ थोड़ा थोड़ा काम पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, थोड़ा सा पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। वैसे तो पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के साथ समय व्यतीत करें, पर फिर भी इस वक्त थोड़ा मैं मानती हूँ कि ज़्यादातर पेरेंट्स वर्किंग होते हैं और उनके पास समय का अभाव भी होता है, पर फिर भी इतना समय तो हमें निकालना पड़ेगा कि हम बच्चों की समस्याओं को सुने, या उनको कभी घर बाहर नहीं ले जाना है तो कभी उनको यूं ही एक राउंड लगा के कहीं गाड़ी में लेके चले जाएं, उनको एक कहीं पर एक राउंड लगा के लेके आ जाएं, ताकि उनको थोड़ा सा लगे कि वो घर से बाहर निकले हैं, उनको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो, उनके साथ खेलें, उनको कोई भी
मतलब चीज़ ले सकते हैं। आप ये नहीं है कि बच्चे आपके पास आए हैं और आप टीवी देख रहे हैं तो या आपको तो उनको भी टीवी देखने के लिए बिठा दें, नहीं। उनके साथ इन्वॉल्व होकर उनके साथ कोई ऐसा गेम खेलिए या कुछ ऐसी बातें करिए कि जिससे कि वो रिलैक्स फील करें और उनको वो जो ये बर्डन एक्स्ट्रा बर्डन लग रहा है उससे वो थोड़े देर के लिए अपने आप को रिलैक्स महसूस करें। तो पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा दायित्व है कि वो बच्चों के साथ मिलजुल कर रहे हैं, क्योंकि उनका बच्चों का जो सोशल सर्कल ख़त्म हो गया है, जो स्कूल में जाते थे उनके फ्रेंड्स मिलते थे, वो एक दूसरे से बातें करते थे, बहुत सारी चीज़ें शेयर करते थे, तो वो जो बहुत सारा अपना गुबार है वो वहीं निकाल के आते थे। बट अब उनके पास ये सब नहीं हो पा रहा है तो उनका जो इकट्ठा हो जा रहा है माइंड में ही सब कुछ इकट्ठा हो रहा है, तो उसको निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि पेरेंट्स उनके फ्रेंड्स बने और पेरेंट्स उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करें ताकि वो अपना जो भी उनके साथ प्रॉब्लम है वो सब अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करके फ्रेंडली से शेयर करके सब कुछ निकाल दें और टेंशन मुक्त हो जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम पेरेंट्स को ही उनका दोस्त बनना पड़ेगा, तभी तो वो हमारे साथ खुलकर आ सकेंगे। अगर हम ही उनके साथ नहीं ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे कि हम मतलब पेरेंट बड़े लोगों की तरह, तो शायद ये चीज़ें वो हमसे शेयर नहीं कर पाएंगे। तो मैं बार बार कह रही हूँ, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि वो बच्चों को इस वक्त बहुत ज़्यादा समय दें ताकि वो इन सब चीज़ों से अपने आप को निकाल सकें, जो उनके अंदर एक अजीब सी कुंठा और इस समय एक अजीब सा डिप्रेशन वाला जो माहौल हो रहा है उसको निकालने के लिए इस वक्त सबसे बड़ा रोल जो है हम पेरेंट्स का है, उनके साथ दोस्त बनने का, उनके दिल की बात समझने का। वैसे तो मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स को हमेशा ही अपने बच्चों के साथ दोस्त की तरह रहना चाहिए ताकि बच्चे कभी भी आपसे कोई चीज़ ना छुपाएं। तो दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि जो अभी हम ऑनलाइन क्लासेस में जो दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा हमें प्रशिक्षण की भी ज़रूरत है कि थोड़ा सा जो बच्चे कई बार क्या होते हैं कि ठीक से कॉन्सेंट्रेट होके नहीं बैठ पाते हैं। और नमस्कार जी नजीब जंग जी, नमस्कार मोहम्मद बुदस्सर जी, धन्यवाद बहुत बहुत। और डॉक्टर शशि रंजन जी, धन्यवाद। अच्छा, मैं कह रही थी कि क्योंकि जो पेशेंस और डिसिप्लिन है उसकी बड़ी समस्या रही है जो इस समय जो ऑनलाइन क्लासेस में सबसे ज़्यादा देखने को मिली है, तो उसके लिए थोड़ा सा क्योंकि एक नया प्रयोग है, नई चीज़ें हैं, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। हो सकता है कि इसके लिए बाद में एक ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरह से इस तरह की चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। अभी थोड़ा सा ये वाली समस्याएँ आ रही हैं और बच्चों में अकेलापन और इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स वर्किंग हैं और उनके तो ऑफिसेज तो स्टार्ट हो चुके हैं। सत्र पर भी ध्यान दें, सत्र टाइम पर करवाएं, हाँ ये भी है। आप पर मेरे ख्याल से सिलेबस तो साथ के साथ ही पूरा हो रहा है नजीब जी, क्योंकि अभी तक जो मैंने जितने लोगों से बात की है उन लोगों ने तो यही कहा है कि सिलेबस टाइम से ही पूरा हो रहा है, सिलेबस शायद कुछ कम भी करा है। तो मैं कह रही थी कि बच्चों में जो अकेलापन अलगाव की भावना भी बढ़ रही है और कई बार क्या होता है उपयुक्त साधन भी घर में उपलब्ध नहीं होते तो उससे भी उनके अंदर एक अजीब सी हीन भावना आती है, तो इसको भी निकालने के लिए हम सबको उनके साथ एक दोस्ताना व्यवहार करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि किस तरह से ये चीज़ें होती हैं, किस तरह से हमें इन थोड़ी सी चीज़ों में भी कैसे मैनेज करना सीखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ हर किसी को उपलब्ध नहीं होती है। तो उन्हें ये भावना भी समझानी पड़ेगी कि कम साधनों में भी जिया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि हम एक दूसरे होड़ के ही जिए। उनके अकेलेपन को लिए तो मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि उनका अकेलापन और जो अलगाव की भावना को दूर करने के लिए तो पेरेंट्स से अच्छा कोई साथी नहीं हो सकता।
बच्चों एक दूसरे से, बच्चे भी बच्चों के लिए भी है कि वो अपने सिबलिंग से बात करें, एक दूसरे से अपनी समस्याएं शेयर करें, सारे घर के लोग एक टाइम, कोई ऐसा वक्त तो हो। रूपा जी, मैं टीचर नहीं हूँ, मुझे इतना पता नहीं है कि एडमिशन कब से होगा, एडमिशन के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं तो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के बारे में सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। बच्चे बहुत बहुत डरा हुआ भी महसूस करते हैं और उनको फील होता है कि जैसे कि वो बहुत अकेले हो गए हैं। बच्चों को मैं कहूँगी, बच्चों आप ऐसा ना महसूस करें कि आप अकेले हैं, अपने दोस्तों से बात करें। बात करने में तो कोई मनाही नहीं है, कहीं आने जाने में मनाही है। आप इस ओके रूपा जी, रूपा झा जी, कोई दिक्कत नहीं है। और तो आप लोग अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, या आप बच्चों के लिए है कि, अच्छा जी कोई बात नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मैं विजय लक्ष्मी शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर राज्यसभा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में हूँ, और बेसिकली मैं एक राइटर भी हूँ। मेरी अपनी दो किताबें भी हैं, एक लघु कथा संग्रह, एक मेरा जो है कथा, एक मेरा काव्य संग्रह है, और एक मेरी करोना डायरी करके एक बुक अभी अंडर पब्लिकेशन है, एक साझा संकलन है चलो रेत निचोड़ें। और उसके अलावा मेरे ऊपर एक ट्रू मीडिया ने मैगजीन निकाली है, तो वो भी मेरे पूरे व्यक्तित्व पे और कृतित्व पे निकली हुई है, पर वो अभी इस वक्त मेरे पास है नहीं। पर मैं अपनी किताबें आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे एक मेरा ये लघु कथा कथा संग्रह है चलो रेत बंद मुट्ठियों में कैद धूप कही अनकही, और इसमें मेरा जो है लघु कथाएं और एक दो बड़ी कथाएं भी हैं। इसका कवर मैंने खुद बनाया है, मैं ज़्यादातर महिलाओं पे लिखती हूँ, तो ये कवर मेरी खुद की पेंटिंग है जिसमें एक महिला का चित्र है जो जिनका आधा फेस दिख रहा है और आधा नहीं दिख रहा है, जो कि ज़्यादातर महिलाएं ऐसे ही करती हैं कि अपने दुख दर्द ज़्यादातर किसी को बताती नहीं हैं, तो उनको ही ध्यान में रख के मैंने ये बनाया है। ये मेरा लघु कथा कथा संग्रह है, और उसके अलावा जो मेरा एक काव्य संग्रह है जीवन पथ पर, जो मेरी पहली किताब है, इसका कवर पेज भी मैंने खुद बनाया है। ये माँ और बेटी है, ये मजदूर माँ है, अपनी बेटी को बस्ता लेके स्कूल छोड़ने जा रही है, अपने अपनी उसके छांव में ये इसको यहाँ स्कूल तक ले जाकर इसको पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा इंसान बनाना चाहती है, उसको मजदूरी में नहीं ले जाना चाहती, और उसको एक वृक्ष की तरह प्रोटेक्ट कर रही है ताकि वो उसको पढ़ा लिखा के कुछ अच्छा इंसान बना सके। तो ये भी मैंने खुद बनाया है। मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि है, इसलिए मुझे नाज है अपनी जन्मभूमि पर कि मैं ऐसी जगह से हूँ जहाँ पर पहाड़ों, ना केवल पहाड़ों की खूबसूरती है बल्कि वहाँ से ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों ने जन्म लिया है। सुमित्रानंदन पंत जी हो गए, हमारे वीर चंद्र सिंह बर्थवाल जी हो गए, और बहुत सारे बड़े बड़े जो लोग हैं जिन्होंने वहाँ से जन्म लेकर और दुनिया में काफ़ी नाम कमाया है। तो मैं उस उत्तराखंड की जन्म उत्तराखंड की भूमि में मेरा जन्म हुआ है, और मैं टीचर नहीं हूँ, मैंने आपको बता दिया। थैंक यू रूपा जी, और थैंक यू पूजा मैम। मैं उत्तराखंड की शान तो नहीं हूँ क्योंकि वहाँ से इतने बड़े बड़े लोग निकले हैं। मैं दिल्ली से लाइव हूँ रूपा जी, मैं अपने घर से लाइव हूँ अभी, तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, और ठीक है। अब जो मेरा विषय था जिस पर मैं बोल रही थी, मैं थोड़ा और उस पर बताकर फिर अपनी वाणी को विराम दूंगी। हम जैसे कि हम सोच रहे देख रहे हैं कि ये सब ऑनलाइन क्लासेस इसलिए हुई क्योंकि हम जो है कोविड 19
कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, पूरा विश्व इससे ग्रसित है। तो इस ऐसे समय में अभी कब शिक्षा संस्थान खुलेंगे, कब नहीं खुलेंगे, अभी कुछ निश्चित नहीं हुआ है। और जो तनाव का असर है वो बच्चों के शरीर, दिमाग और भावनाओं और व्यवहार में सब में नज़र आ रहा है। तो अभी हमें सिर्फ क्या करना है कि बच्चों की मानसिक स्थिति को देखते हुए उनको उनके साथ समय बिताने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। हम इतना कर सकते हैं कि उन्हें कहें कि वो अपने दोस्तों से बात करें, उनको इतनी आज़ादी दें कि वो अपने फ्रेंड से बात करके अपने गुबार को निकालें। हम उनके साथ उनकी प्रॉब्लम को शेयर करें कि हाँ हमें बताओ, हम उसका हल निकालते हैं। और बच्चों, आपके लिए अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कत आ रही है तो किताबों से बढ़कर कुछ नहीं है। आप अपनी किताबों को बार बार पढ़िए, लिखिए। जब आप एक बार पढ़ के लिखना शुरू करते हैं ना तो वो बहुत जल्दी आपको समझ आता है। और अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो मैं बार बार अपने, जब भी मैं कभी लाइव आती हूँ तो बच्चों के लिए मेरा एक ही संदेश होता है कि आप अपनी भावनाओं को डायरी में लिखना शुरू करें। अगर आपको लगता है कि कोई आपका सुनने वाला नहीं है तो आप एक डायरी मेंटेन करिए, अपनी भावनाओं को उसमें लिखिए। आपको लगेगा कि हमने किसी को बता दिया और आपको बड़ी तसल्ली होगी, बड़ी शांति, आपके मन को बड़ी शांति मिलेगी। आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो एक पेंटिंग बनाइए। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत बड़े पेंटर बन जाइए, आप स्केच बनाइए, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचिए, आप कुछ भी बनाइए, चिड़िया बनाइए, आप ट्रायंगल बनाइए, स्क्वायर बनाइए, मतलब बहुत बड़े पेंटर बनने की ज़रूरत नहीं है। पर आप कॉन्सेंट्रेट होके आप ये सोच के बनाइए कि मुझे आज ये बनाना है, तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि आपको बहुत शांति मिलेगी। आप थोड़ी देर के लिए योगा करें और देखें आपकी सांस किस तरह से आ जा रही है। आपको जब आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे किसी चीज़ को तो आपका जो आधा टेंशन है वैसे ही खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। सुबह सुबह उठिए, थोड़ी देर के लिए योगा करिए, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करिए, थोड़ा सा आँखों को आराम दीजिए, तो जो आपके साथ ये जितनी समस्याएं आ रही हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। डायरी को अपना दोस्त बनाइए, डायरी लिखिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपनी भावनाओं को डायरी में लिख देते हैं तो आपको रिलैक्स फील होता है, आपको लगता है कि हाँ आपने अपनी समस्या को कहीं पर रख दिया है। तो ये बहुत अच्छा उपाय है कि आप डायरी लिखें। पेंटिंग मैंने बता ही दिया आपको, पेंटिंग का मतलब है कि स्केच करिए, कुछ भी ऐसा ड्राइंग करिए कि आप पूरे तरह से उसमें डूब जाएं, तो आपको अपने आप रिलैक्स फील होगा। कुछ देर के लिए आप अपने आप को अपने पेरेंट्स के हवाले कर दें और उनकी बातें सुने, कुछ भी बात करें उनसे। अगर वो आपसे बात नहीं करें, आप ज़बरदस्ती जाइए कि नहीं मुझे बात करनी है, आप सब काम छोड़ के मुझसे बात करिए। आपको अपने आप रिलैक्स फील होगा क्योंकि जो माता पिता है ना वो अपने आप में ही पूर्ण है, आपके अच्छे दोस्त हैं, उनको अच्छा दोस्त मान के आप उनसे शेयर करेंगे तो वो ज़रूर आपकी बात सुनेंगे और आप भी बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। जो बच्चों में एक चिड़चिड़ापन और एक गुस्सा और एक डर जो है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम नमस्कार रश्मि जी, नमस्कार, वो सिर्फ इसका एक ही रीज़न है कि वो एक ही तरह की चीज़ों से बोर हो गए हैं। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते, केवल टीचर्स की बात सुनेंगे, पीरियड ख़त्म होगा, ख़त्म। तो वो जो उनको एक नया माहौल मिला है जिसमें वो बीच में जब उनको ब्रेक मिलता था तो उस टाइम वो एक दूसरे से कुछ शेयर करते थे या कोई चीज़ उनको बुरी लगी होती थी टीचर्स की, तो वो उस टाइम में उसको निकाल के ख़त्म कर देते थे। बट अभी क्या हो रहा है कि वो निकल नहीं रहा, वो जमता जा रहा है। तो जब वो जमता जा रहा है तो एक चिड़चिड़ापन और खालीपन सा आपके अंदर एक वैक्यूम घर करता जा रहा है। तो उसको ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम पेरेंट्स उनका साथ दें और उनके उस वैक्यूम को ख़त्म करें, उनके दोस्त बन जाएं। बच्चे अपनी डायरी लिखें और अपने दोस्त को सारी चीज़ें बताकर ये सोचें कि मैंने अपने जो बेस्ट फ्रेंड है उसको बता दिया कि आज ये हुआ और मैंने ऐसा महसूस किया और मेरा ये मन किया। खुल के लिखें, कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं है कि आपने ऐसे क्यों लिखा। तो जो आपके मन में भाव आ रहे हैं उनको वहाँ लिख के ख़त्म कर दें। तो नेचुरल सी बात है कि आपको
अपने आप लगेगा कि आप रिलैक्स हो गए हैं और आपने इस चीज़ को कहीं पर रख दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है। अब क्योंकि हमारे पास विकल्प कम है, चुनौतियाँ ज़्यादा हैं, और इसलिए हम उस उन थोड़े से विकल्पों में ही अपनी जो समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा होगा, अभी ये जो वक्त है ये भी निकल जाएगा। ऐसा कभी पहले भी, बहुत पहले भी कभी वक्त आया होगा और वो भी निकल ही गया होगा। तो हमारा सबसे अच्छा यहाँ पर ये वक्त हमें ये सिखा के जा रहा है कि हम अपने रिश्तों को मजबूत करें, एक दूसरे की जो हमारे एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग है ना, उसको मजबूत करें, ताकि कभी हमें याद करना पड़े तो हम ये याद करें कि जो हम नॉर्मल समय में अपने आपस में अपने रिश्तों को समय नहीं दे पाए थे, वो हम इस समय दे पाए हैं। जो हमने भागदौड़ की करते करते अपने बच्चों को समय नहीं दिया, वो हम इस समय दे पा रहे हैं। और इस समय हम उनको अगर थोड़ा अच्छा सा प्यार दुलार दे पाए, तो ये वक्त हमारे लिए एक अच्छा वक्त बन के निकल के आएगा। मतलब जिसको हम हमेशा याद रखेंगे कि इस वक्त ने हमें एक किया था, हमारी भागदौड़ की ज़िंदगी से हमें थोड़ा सा समय ऐसा रिलैक्स करने के लिए दिया था, जिसमें कि हम अपने बच्चों के साथ भी समय व्यतीत कर सकें। तो हम एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे, जो अकेलापन है अपने आप ख़त्म हो जाएगा। जो डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें जितने भी हैं, इनकी जड़ी यही है कि जब हम किसी से शेयर नहीं करते। वो हम कहते हैं ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो वही वाली बात है। जब आप शेयर करेंगे तो केयर अपने आप होगी। तो आप शेयर करें, शेयर करना सीखें एक दूसरे से। पेरेंट्स भी बच्चों से शेयर कर सकते हैं और वो भी अपना रिलैक्स हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम बजाय कि एक दूसरे पर चीखम चिल्ली करें और चिल्लाएं डांटें, हम उससे अच्छा है कि हम एक हेल्दी डिस्कशन करें और उसमें रखें कि हाँ किसकी क्या समस्या है, उस पर ही हम चर्चा करेंगे। जब सबसे एक डिप्रेशन कब आता है, जब हम ना बहुत अंधेरे में बैठे होते हैं और हम ऐसी जगह बैठे होते हैं जहाँ पर कि हमें लगता है कि यार यहाँ से हमें कुछ नहीं दिख रहा, ना सूरज दिख रहा है ना रोशनी दिख रहा है। तो कोशिश करें कि आप थोड़ी देर के लिए, चाहे छत पे जाएं, चाहे बालकनी में जाएं, चाहे नीचे जाएं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि थोड़ी देर के लिए आप जाएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र हाथ में रखें और थोड़ा सा वॉक करें। अब बहुत दूर नहीं, अपने घर, मैं कह रही हूँ घर के आसपास ही। तो जब हम कोई रोशनी देखते हैं या दो चार और लोगों को देखते हैं तो हम बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को रिलैक्स फील करने के लिए कमरे में ही बंद मत रहें, थोड़ा थोड़ा बाहर निकलें। बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल सारी चीज़ें तोड़ के और सारे नियमों का उल्लंघन करके सड़क पर घूमने लग जाएं। नहीं, छत बालकनी या अपने घर के आसपास अपने बगीचे में ही टहलें और रिलैक्स फील करें। खासकर सुबह सुबह जब सूरज उगता है, तब आप थोड़ी देर के लिए अगर अपनी खिड़की से ही झांक के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आपका जो तनाव है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, क्योंकि क्या होता है कि जब हम घर पे ही रहते हैं तो हम अपनी दिनचर्या बिल्कुल बिगाड़ देते हैं और सोने का टाइम नहीं रखते, जागने का टाइम नहीं रखते। अगर हम अपने नियम, मैंने पहले ही कहा डिसिप्लिन और हमारा जो एक धैर्य, मतलब हम अगर उनको रखे, धैर्य बना के रखेंगे और डिसिप्लिन से चलेंगे, तो शायद हमें किसी प्रॉब्लम, हमारे सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सोने जागने खाने पीने सबका समय जो आपका नॉर्मल रूटीन बंधा हुआ था उसी तरह से बांधें। ये नहीं कि घर पे हैं तो चलो कोई बात नहीं, देर से उठ के भी खा लिया, रात को देर से सो गए, सुबह देर से उठ गए। तो इन चीज़ों से भी जो है आपका जो समस्याएँ आती हैं और जिससे कि आगे आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो अपनी भावनाओं को जाहिर जरूर करें, उदास ना रहें और हर किसी के अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, किसी से भी फ़ोन करके शेयर करके शेयरिंग ज़रूर करें। सबसे मेन काम है शेयरिंग करना,
पेरेंट्स को बता दोस्त समझना और पेरेंट्स को बच्चों को दोस्त समझना, एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करना, डिसिप्लिन से रहना, धैर्य से काम लेना, और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने आँखों को पे छींटे मारें और अपने आप को रिलैक्स महसूस करें थोड़ी देर के लिए। परिवार के साथ तो समय बिताना ही बिताना है, और जो शिक्षा है वो तो मूल अपने मूल में ही समाजीकरण की एक प्रक्रिया है, और जब जब समाज का स्वरूप बदलेगा तो शिक्षा का स्वरूप भी बदलेगा, तो ये एक जो है निरंतर जो एक चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है कि कल को ऑनलाइन ही शिक्षा का स्वरूप हो, कुछ कह नहीं सकते, पर इस बदलाव के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है, और जब परिवर्तन आते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि परिवर्तन के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। हालांकि डिजिटल जो है की होड़ बहुत अच्छी भी नहीं है, पर फिर भी मैं कहूँगी कि समय के साथ हमें बहुत कुछ बदलना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। तो आप सब लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी अंत में कि आप सब लोग रिलैक्स रहें। एक ऐसा वक्त है जिसमें हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना है। हाथ पकड़ के मतलब ये नहीं फिजिकली हाथ पकड़ के, मतलब ये समझना है कि हम एक दूसरे के साथ हैं। अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ा योगा प्राणायाम करें, अच्छा संगीत सुने। अच्छा मैं एक चीज़ बोलना भूल गई, आप डायरी लिखें, अच्छा संगीत सुने, कुछ ना कुछ पेंटिंग करें, अपने पेरेंट्स से शेयर करें, अपनी आँखों को रिलैक्स करें, अपनी बुक्स को पढ़ें। आप थोड़ा सा जब सूरज उगे तो आप बाहर अपने खिड़की से झांके, बालकनी से, छत से, थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को उस कमरे से बाहर निकालें जिसमें आप अपने आप को रखते हैं, अपने एक कोजी कॉर्नर से थोड़ा सा बाहर निकलें और अपने आप को रिलैक्स करें। अब जितना हो सके चलें, अपने कमरे में ही चलें, ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने पेरेंट्स को अपना दोस्त समझें और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को अपना दोस्त समझें, क्योंकि ये ऐसा वक्त है जब तक हम एक दूसरे को अपना दोस्त नहीं मानेंगे हम एक दूसरे की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट है कि हम एक दूसरे के दोस्त बन के रहें, और जब भी एक दूसरे से बात करें तो मुस्कुरा कर करें, ये नहीं कि एक दूसरे को लड़ाई करें या एक दूसरे पर छींटा कसी करें। तो ये वक्त भी निकल जाएगा, ऐसा कोई वक्त नहीं रहा कि जो हमेशा साथ चला हो, ये भी धीरे धीरे करके बीत जाएगा। आप अपने घर में खुश रहें, हंसें, खिलखिलाएं, और हो सके तो योगा प्राणायाम इस तरह की चीज़ें करें, म्यूजिक ज़रूर सुने, अच्छा संगीत सुनेंगे तो आपको जो आपके अंदर का जितना भी अवसाद है सब निकल जाएगा। अंत में बस जाते जाते कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ। तख्तियों की लिखावट में खो गई जिंदगी कहीं, लगता है डिजिटल की होड़ में कलम गुम हो गई कहीं। चिकनी मिट्टी की वो चमक, काली शाही के रंग भर, कलम का उजले रंग पर बलखाना नहीं भूलता मुझे अभी तक। तो हमारे ज़माने में तख्तियाँ होती थी, तो उसी पर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। जुनून सवार बस तो एक ही, कैसा हो शब्दों का आकार, छोटे बड़े ना हो जाएं कहीं, समानता का कैसे करें विचार। एक दवात दस दस कलम, एक दवात दस दस कलम, सहेज कर उकेरते आकृति, अपनी तख्ती पर सभी, दाग न लगे कोई इसका भी था ख्याल, दाग न लगे कोई इसका भी था ख्याल, काली शाही से लबरेज बनती बिगड़ती सूरतों में, नहीं था दर्द कुछ खोने का, रोज मिटती थी वो नए सपने बुनने को। अब लिखते हैं कुछ तो बन जाता है जी का जंजाल, यहाँ मिटती नहीं रेखाएं, यहाँ अब बस सपने टूटते रोज, मिटाते लिखते थे कभी चाह थी सुंदर लिखने की, अब खुद ही मिटते जाते लिखने की चाह ना कोई, ढूंढते तलाशते रोज। तो इस तरह से
मेरी कुछ पंक्तियाँ आपके सामने रखी और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अब मेरी बातों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे और खिलखिलाएंगे, मुस्कुराएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे और मास्क पहनकर ही बाहर निकलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, डेविड जी, आपने मुझे अपने पेज पे बुलाया। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। एक बार सभी को गणेश चतुर्थी की बधाई देती हूँ। नमस्कार।